प्रशंसा का काम करने वाले भाई रविकांत जी, अभी जिन्होंने जेएनयू की सोच का एक बिंब प्रस्तुत किया, अजय जी, और इसके आयोजक ब्रजेंद्र जी, संचालक भाई और विद्यार्थी मित्रों, अब मैं इस गोष्ठी में इस भाव से आया हूं कि देश में एक वैचारिक महायुद्ध चल रहा है और उसका एक बहुत बड़ा मोर्चा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस है, और उस मोर्चे पर पिछले 2.5-3 बरस से लगातार घटनाएं हो रही हैं जिनका देश भर में स्पंदन होता है। इसलिए आप अपनी इस गोष्ठी को और अपनी उपस्थिति को इसके महत्व को समझने की कोशिश करिएगा। वैसे तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में और तमाम विश्वविद्या केंद्रों में विचार विमर्श लगातार चलता है, और हमारा विश्वविद्यालय यानी जेएनयू जब जन्म हुआ तब से ही बहस के लिए बदनाम रहा है। यहाँ किसी मुद्दे पर आप एकांगी चर्चा नहीं कर सकते, चाहे वो क्रांति का मुद्दा हो, चाहे प्रतिक्रांति का मुद्दा हो, देश और दुनिया हो, सवाल पूछना, जिज्ञासा, ये हमने अपने विद्यार्थियों की और अध्यापकों की प्रवृत्ति का हिस्सा बना लिया। ये यस सर, जी हाँ वाला कैंपस नहीं रहा। इसलिए जो भी राज दरबार में रहे, राजा रानी थे, उनकी आंख में जेएनयू किरकिरी की तरह से लगता था, और जेएनयू को खत्म करने की कोशिश में बहुत सी हुकूमतें खत्म हो गई और जेएनयू और चमकता चला गया और उछलता चला गया और बढ़ता चला गया। इसलिए जो आज हो रहा है इसमें भी लोगों को अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए। प्रोफेसर मुखिया विस्तार से आपको और अच्छी तरह से बताएंगे, उनके सामने मुझे बोलने में संकोच भी हो रहा है क्योंकि मेरा अपना जो ज्ञान आधार है उसमें उनकी रचनाएं, उनके समकालीन प्रोफेसर विपिन चंद्रा की रचनाएं, उनके विद्यार्थियों की रचनाओं में बड़ा काम किया। हम समाजशास्त्रियों के लिए इतिहासकार का काम जमीन में जो खाद डालिए तो जमीन बंजर से उपजाऊ होती है, वैसे ही समाजशास्त्र के लिए जरूरी है कि इतिहास से जुड़े। जितना इतिहास से जुड़ेगा समाजशास्त्र उतना उपजाऊ होगा और जितना दूर भागेगा उतना बंजर होगा। आज की बातचीत में आपको ये ख्याल रखना है कि भारतीय आजादी की रचना में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का दोहरा योगदान है। एक तरफ तो हमारी लड़ाई उलझती चली गई क्योंकि राष्ट्रीयता की परिभाषा को हमने बहुत नजदीक से जमीन से जुड़ करके बनाने का काम किया। शुरू में तो धार्मिकता राष्ट्रीयता से ज्यादा बड़ी चीज थी, वो ज्यादा जोड़ने वाली चीज थी और उसका अपना संघर्ष और समन्वय का इतिहास था। फिर धार्मिकता की जो अपनी सीमाएं हैं जिसमें अन्य के साथ समन्वय की एक सीमा है, उसके आगे समन्वय नहीं हो पाता, उससे बड़ा रसायन, उससे बड़ा सीमेंट राष्ट्र की अवधारणा में मिला। 5 दीवारें थी जिनको तोड़ करके उस आंगन को चौड़ा किया जा सकता था जिसको भारत कहा जाता है। जाति की दीवार थी, भाषा की दीवार थी, क्षेत्र की दीवार थी, और क्षेत्र के दो हिस्से थे। एक दीवार भूगोल वाली थी, कोस कोस पर पानी बदले, 5 कोस पर पानी, और दूसरी क्षेत्रीय इतिहास वाली दीवार थी। ऐसा कौन सा इलाका था जहां पर क्षेत्रीय प्रभुत्व और वर्चस्व के लिए भाई ने भाई का खून नहीं बहाया, लोगों को पलायन नहीं करना पड़ा था, लोग एक दूसरे को मित्र भाव से नहीं बल्कि कभी मित्र कभी शत्रु वाले भाव से देखते थे। मगध और कलिंग का जो रिश्ता था जिसे चंड अशोक, देवपुत्र अशोक बना, वो उड़ीसा की स्मृति में तो वो नदी
आज भी लाल बह रही है। बिहारियों के बारे में उड़िया ज्यादा खुल के बोलते नहीं है, लेकिन अगर दिल की बात कभी अपने सपने में वो बोलेंगे तो उनको सबसे क्रूर, मुगल से भी क्रूर, ब्रिटिश से भी क्रूर बिहारी याद आएंगे, क्योंकि उनका वो पहला क्रूरता का अनुभव एक तरह से। या जो नालंदा के साथ जुड़ा इतिहास और स्मरण है, उसमें बख्तियार खिलजी के घोड़ों को गर्म रखने के लिए नालंदा की लाइब्रेरी की किताबें जलाई गई। तो अब नालंदा की स्मृति से जुड़े जो लोग हैं, नालंदा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, उसके लिए तो जो ये लोग आए जिनमें से ज्यादातर का धर्म मुसलमान का था, इस्लाम का था, उनकी छवि कितनी भी आप धोइए, साबुन लगाइए, वो साफ होने वाली नहीं। और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के रिश्ते के बारे में, न जयचंद मुसलमान थे न पृथ्वीराज ईसाई थे, लेकिन पृथ्वीराज के पतन में सबसे बड़ा योगदान तो जयचंद का था, जो उनके हम प्याला हम निवाला थे, और झगड़ा कुछ बहुत छोटा सा था, मामूली सा। तो दीवार जो क्षेत्रीयता की है, ये बड़ी सख्त दीवार थी, और फिर वर्ग की दीवार का तो कहना ही क्या है। क्या अंग्रेजों ने जुल्म किया होगा जो जमींदार करते थे, और जमींदारों का और अंग्रेजों का रिश्ता जैसे एक बीमार शरीर में वायरस चला आए, बैक्टीरिया चला आए, वैसा था। जितना अंग्रेजी राज चमकता चला गया, उतना जमींदार का और नवाबों का और राजाओं का ऐश्वर्य बढ़ता चला गया। और इतनी बेशर्मी थी कि गांधी को कहना पड़ा 1916 एज लेट एज 1916 BHU के फाउंडेशन डे के दिन कि आप सब भारत के प्रतिनिधि बन के बैठे हैं यहाँ पर, शर्म नहीं आती इन गहनों को पहने हुए जब देश भर में बीमारी भुखमरी बेकारी का तांडव चल रहा है और आप अपने को प्रतिनिधि कहते हैं। राजा लोग नाराज हो गए, वायसराय साहब भी थे, लेकिन गांधी की जो बात थी वो आम लोगों का परसेप्शन था, इनके बारे में बहुत निर्ममता के किस्से, निर्दयता के किस्से थे। और फिर एक बड़ी दीवार थी धर्म वाली। राष्ट्रीयता की कल्पना ने भारत में एक नया रूप लिया। भारत का जो राष्ट्रीयता का, भारत में जो अवतार हुआ, राष्ट्रीयता के तमाम अवतार हैं। भारत वाला जो अवतार था वो बहुआयामी था, अंग्रेजी का शब्द जो इस्तेमाल करें इंटरसेक्शनैलिटी थी। ऐसी कल्पना करो भारत की जिसमें जाति, वर्ग, भाषा, धर्म और क्षेत्र से जुड़े तनाव और अंतर विरोध हैं, उनका समाहित किया जा सके। और वो कल्पना थी आजादी, लोकतंत्र और कुछ लोगों के लिए, जवाहरलाल सुभाष बोस जैसे लोगों के लिए, समाजवाद। वो भविष्यमुखी कल्पना थी, क्योंकि अगर आप अतीत में जाएंगे तो भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय आजादी एक दूसरे के मित्र नहीं, एक दूसरे के शत्रु की तरह से होंगे। कहा जाता है कि भारत की गुलामी का बड़ा कारण विदेशी हमले नहीं थे, राजाओं के झगड़े नहीं थे, हमारी जाति प्रथा थी। बक्सर की लड़ाई में लोग किसान खेत में हल चला रहे थे, किसी ने पूछा क्या हो रहा था, लड़ा तो वो कोई आपस में लोग, हमारे का फर्क पड़ा। और वो मंथरा से जाता है ये दर्शन, कोई निपो हो हमें कहानी तेरी छोड़ न हो गए रानी। तो जो वंचित था और जो पीड़ित था, जो शोषित था, उसके लिए लहर पर लहर आती चली गई शासकों की और जाती चली गई, उसका फर्क बहुत ज्यादा पड़ा नहीं। जिसने कुछ उदार काम किया तो उसको लोगों ने अमर बना दिया, चाहे वो अशोक का राज था चाहे अकबर का राज था, लेकिन ऐसे राज कम थे। तो राष्ट्रीयता का जो भारतीय अवतार था उसका भविष्यमुखी आधार था, अतीतमुखी आधार नहीं था। और यहीं पर भारतीय संस्कृति के आज के नए पुजारी और आराधक मात खा जाते। इतिहास उनके साथ नहीं है, वो पीछे जाते हैं, बहुत पीछे जाते हैं, और पीछे जाते हैं तो वहां पर वसुधैव कुटुंबकम मिल जाता है। उनको भारत कुटुंबकम का दर्शन सिद्ध करने वाला ये काम अभी हाल में चूंकि मैंने फिर से पढ़ा और अपनी प्रवृत्ति के खिलाफ जाके पढ़ा, सावरकर जी ने जो किताब लिखी हिंदुत्व वाली, उसको बहुत खींचा ताना है उन्होंने। यूरोपीय
इतिहास को उन्होंने सनातन और अनंत मान लिया और यह माना कि भारतीय इतिहास को भी उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। तो उन्होंने हिंदुत्व वाली किताब लिखी और उसकी आजकल चर्चा होती है, क्योंकि एक पराजित अस्मिता का एक हिस्सा हिंदुत्व है, दूसरा हिस्सा भारतीय है, तीसरा हिस्सा इस्लामी है, तीसरा चौथा सिख है, पांचवा बौद्ध है, तमाम हिस्से हैं, उसी में भोजपुरी आ जाएगा, द्रविड़ आ जाएगा। तो एक बहुत बड़े समाज के लिए अपने आत्महीनता से मुक्ति पाने के लिए हिंदुत्व की परिभाषा वैसे ही है जैसे उम्मा की परिभाषा मुसलमान के लिए। मुसलमानों के अंदर तमाम तरह के अच्छे और बुरे अनुभव और स्मृतियां हैं, लेकिन जब उम्मा की बात कहते हैं कि हम सब एक हैं, हालांकि जब हज करने जो जाता है उससे पूछिए तो हज करने जाता है पक्का मुसलमान बनने के लिए और लौट के आता है पक्का भारतीय बन के, कहते हैं हमें वहां तो बड़ा बुरा हाल करते हैं यार, हिंदी हिंदी कहते हैं सब आप, क्यों? क्योंकि क्षेत्र की अपनी भूमिका है और भाषा की भूमिका है, वर्ग की भूमिका है, लिंग भेद की भूमिका है, और ये सब समाजशास्त्रीय सच है। लेकिन संस्कृति को आप कुछ मुहावरों से, कुछ प्रतीकों से, कुछ अक्षत पानी से समेट सकते हैं। एक श्लोक है गायत्री श्लोक, बस उसी को पढ़ दीजिए सब हो गया, वो भारतीय संस्कृति का सारांश हो गया। लेकिन कोई समाजशास्त्र किताब आज तक नहीं बनी है जो पन्ने दो पन्ने में किसी भी समाज की विविधता, जटिलता, खूबसूरती और बदसूरती को समेट सके, उसमें बहुत कुछ देखना पड़ेगा। आज की परिस्थिति कुछ अजीब हो गई है। मैंने इस किताब को इसीलिए बहुत दिलचस्पी से पढ़ा, रवि कांत जी ने जो पहला संकलन निकाला था उसका भी अच्छा स्वागत हुआ, लेकिन ये तो अंधेरे में मशाल जैसी, इसमें जो लेख हैं इन्होंने बड़ा साहस किया है। एक तरफ तो हरवंश मुखिया और प्रभात पटनायक जैसे बड़े गंभीर आचार्यों का लेख लिखा लेकिन उनको छोटा रखा, और दूसरी तरफ ये प्रमोद मीणा, विनीत तिवारी जैसे लोगों के एथनोग्राफिक डिटेल्स दिया, और जो विभत्स परिस्थिति है हमारे दिमाग की बनावट को लेकर के, हमारी राष्ट्रीयता को लेकर के, और राष्ट्रीयता के नाम पर दूसरों की आजादी, उसका अवमूल्यन, उसका अपमान, वो भी इसमें डाला। तो खाली ये कहना कि फासिज्म आ गया बहुतों की पकड़ में नहीं आएगा। क्या है फासिज्म? जहां आप बैठे वहां मैं बैठा करता था किसी जमाने में 72, 73, 74। तो उस समय इंदिरा जी का राज था, और इंदिरा जी जैसे आज अत्यंत समर्पित देशभक्तों का शासन है ऐसा कुछ लोग दावा करते हैं, और इतिहास उनके प्रति जो न्याय करेगा वो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन इंदिरा जी के शासन के समय में भी बहुत सारे लोगों को लगता था कि अब सवेरा हुआ है, जवाहरलाल का काल धुंध का काल था, अब सवेरा हुआ, क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, प्रीमी पर्स खत्म हो गया। कुछ लोगों को लगता था कि नहीं, ये तो खतरनाक हो रहा, इस पर लेफ्ट भी डिवाइडेड। तो हमारे वहां पर लाइब्रेरी के बगल के L4 में इस पर बहस होती थी कि भारत फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है कि सोशलिज्म की तरफ बढ़ रहा है, जैसे आज बहस चल रही है कि भारत नेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहा है कि फासिज्म की तरफ बढ़ रहा है। राष्ट्रीयता का जो आज का पक्ष है उसकी अजीब विडंबना है। हमारे अस्पतालों से कभी कभी खबर आती है अखबार में कि नवजात शिशु की तलाश में मां भिलक रही है, और थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है कि डॉक्टरों की साजिश से या नर्स की साजिश से बच्चा चोरी हो गया। भारतीय राष्ट्रीयता का भी यही हाल है, जिस मां ने जन्म दिया, जिसने प्रसव पीड़ा झेली, उस मां को आज पता नहीं चल रहा है कि उसका बच्चा या उसकी बच्ची लेके कौन भाग गया, लेकिन ऐसा हुआ। जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता के निर्माण में कदम कदम पर अवरोध पैदा किया, यानी सांप्रदायिक राष्ट्रवादियों ने, उसमें दोनों तीनों थे, हिंदू सांप्रदायिक, मुसलमान सांप्रदायिक, सिख सांप्रदायिक, जिनके लिए भारतीय राष्ट्रीयता का असांप्रदायिक रूप या अवतार खतरनाक लगता था, जैसा अभी आपने बहुत अच्छा किया, हालांकि आप बिल्कुल जेएनयू की जीवीएम स्टाइल में बोले, यहां भी गए, वहां भी गए, वहां भी गए, क्रिकेट से लेकर रिजर्वेशन तक, लेकिन जो बंकिम के बारे में आपने रहस्य उद्घाटन किया
वो बहुत अच्छा है। और यही मुसलमान जमींदारों सामंतों का हाल था, नवाबों का, नवाब हैदराबाद और चाहे नवाब भोपाल में, तो 1857 में ये सब होता नहीं जो हुआ। मराठा ने क्या किया 1857 में, सिख ने क्या किया, जाटों ने क्या किया, इस पर सावरकर ने एक दूसरी किताब लिखी है, सिक्स इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसमें उन्होंने भारत के उत्कर्ष के 6 अध्यायों का वर्णन किया है, आदिकाल से लेकर के 1947 तक। लेकिन सब खींचतान करने के बावजूद भारतीय राष्ट्रीयता की रचना में जो जमीन से योगदान आया, चंपारण आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक के बीच में जो रसायन बनाया गया, भविष्यमुखी, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा किया गया, एकता पैदा की गई, और उसमें जो एक साहसी प्रयोग किए गए, उन सब से भारतीय राष्ट्रीयता का एक रूप बना। और उसमें भी कुछ विकृतियां ऐसी थी जिनका हम समाधान नहीं कर पाए, तो आजादी के लिए राष्ट्रीयता का खंडन भी कबूल करना पड़ा। भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय आजादी के बीच का रिश्ता ऐसा ही है जैसे सिजेरियन बेबी और मां का रिश्ता होता है। अगर बच्चे को जन्म देना है बहन जी, तो आपको अपना पेट चिरवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद बच्चा तो बच जाएगा, आप बचेंगे कि नहीं बचेंगे अभी हम गारंटी नहीं देते, बहुत डिफॉर्म बेबी है। ऐसा भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय आजादी का रिश्ता, और उस फीलिंग के साथ हमारा संविधान जुड़ा हुआ, हमारा लोकतंत्र जुड़ा हुआ, हमारा धर्मनिरपेक्षता का सपना। धर्मनिरपेक्षता जैसे ज्वरग्रस्त या बहुत ही इन्फेक्टेड बॉडी में एंटीबायोटिक जो काम करता है, ऐसे ही भारतीय समाज में भारतीय राष्ट्रीयता के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की भूमिका। ये एंटीबायोटिक आपने छोड़ा और आपका शरीर पकने लगेगा, मवादों से फटने लगेगा। अभी हम शिमला से आए तो पुरानी यात्रा शिमला की याद आई, 80 के दशक में जब रात में आप पंजाब से गुजर ही नहीं सकते थे, हर कैंपस में लाशें गिर रही थी, कभी भारत के समर्थकों की, कभी खालिस्तान के समर्थकों की। और आज वो इतिहास इतना विभत्स है कि किसी भी तरह की स्मृति को लोग बचाना नहीं चाहते, जैसे जर्मनी में कोई बचाना नहीं चाहता कि कहां यहूदी मारे गए, कहां कम्युनिस्ट मारे गए, कहां लिबरल मारे गए, बस उस इतिहास को वो 7 तह के नीचे डाल चुके हैं। और सिख राष्ट्रवाद की उग्रता का अंदाज आपको आज नहीं लगेगा, लेकिन तब लगता था कि अब तो सब जल गया, खत्म हो गया, सिवाय फौज की बंदूक के कोई रास्ता नहीं। धीरे धीरे फिर रास्ता निकला, राजीव लोगों का समझौता हुआ, इंदिरा जी का शरीर गिरा, कई हजार सिख दिल्ली समेत पूरे देश में मारे गए। तो आज जो भारतीय राष्ट्रीयता का दावा है वो लोग कर रहे हैं जो चोरी का बच्चा लेके भागे हुए। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पक पक पर बाधा डाली। अगर शुरू में आंदोलन में गए तो फिर कुछ ही समय में उन्होंने अपना मोहभंग का दौर कहा, चाहे डॉक्टर हेडगेवार थे, चाहे वीर सावरकर। वीर सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पीढ़ी के नायकों में से थे, लेकिन फिर वीर सावरकर अंग्रेजों के साथ चलने वाले पूर्व देशभक्तों की तरह से तनखैया भी थे। उन्होंने अंग्रेजों से वजीफा लिया। हेडगेवार कांग्रेस के आंदोलन में जेल गए, उन्होंने कहा ये तो बड़े कठिन रास्ते से जाना, तो हठी लोग हैं। गांधी कहते हैं कि दूसरे को उसके न्याय बोध को जगाने के लिए, उसके अन्याय के लिए खुद को पीड़ा में डालो, जेल जाओ, लाठी खाओ, ये तो हमारे बस का नहीं भाई, एक बार जेल जाने में पसीना छूट गए। गांधी 5 बार इस देश के लोगों को जेल में भेजा, 5 बार, 1920-21 से शुरू किया और 1942। और मैं हेडगेवार को बहुत ज्यादा दोषी नहीं कहूंगा, आखिरी आंदोलन के समय 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो गांधी जी के दाहिने बाएं बाजू थे, राजा जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सबका छक्का छूटा हुआ था कि बापू ये क्या कर रहे हैं, ये भारत छोड़ो आंदोलन, वो तो लड़के थे यूसुफ मेहर अली जैसे या जयप्रकाश और लोहिया जैसे, जिन्होंने कि कहा बाबा की उंगली पकड़ कर कि आप लोग नहीं आएंगे तो नहीं आए, हम तो चलते। तो कुछ इंडिया आंदोलन आज चर्चा इस बात पर जरूरी है कि इस खोए हुए बच्चे को पता कैसे लगाया जाए, उसको उसकी मां को कैसे सौंपा जाए।
भारतीय राष्ट्रीय एकता भारतीय राष्ट्रीयता की मां है। राष्ट्रीय एकता का संकल्प बनाने में जो इतिहास से जुड़े हुए विषाद हैं, अंतर्विरोध हैं, असफलताएं हैं, उनको पीछे छोड़ना पड़े और उसका मलहम, उसका समाधान, उसकी दवा लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता या सर्वधर्म संभाव है, और अगर मुमकिन हो तो समाजवाद। आजकल हमारे जैसे लोगों की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि 10 बरस पहले टीना 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 चल रहा था, देयर इज नो अल्टरनेटिव। मेगा पाटकर गई पूछने क्या कर रहे हैं तो उसका बाल पकड़ के खींचने लगे, इन किसानों की क्या जरूरत है, 2 बीघा 4 बीघा वाले कब तक रहेंगे इसमें, ले आओ वो कौन था इंडोनेशिया वाला सलीम, ले आओ टाटा को कार बनाएगा। अरे भाई पैदल चलने की जगह नहीं है, कार क्यों बनेगी, नहीं कार बनेगी, कार के लिए क्लास तैयार है, मार्केट तैयार है, टाटा के लिए नैनो के लिए अंतिम। तो वो नहीं जो आज क्रोनी कैपिटलिज्म के बड़े वकील हैं, बल्कि वो भी जो क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ थे उनको भी धुंध में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, उनका अर्थशास्त्र विफल हो गया था, उनका समाजशास्त्र फेल हो गया था, उनकी राजनीति फेल हो गई। लेकिन आज जॉबलेस ग्रोथ के 25 साल झेलने के बाद आपकी पीढ़ी चिल्ला रही है कि हमको रोजगार चाहिए। सुना है कोई आपकी रैली वैली होने वाली है 7 फरवरी को या किस तारीख, और सारे विश्वविद्यालय के जो नायक हैं, नई पीढ़ी के नायक, उनको देशद्रोहियों की कैटेगरी में डालने में इनको 10 मिनट नहीं लगता। तो अगर आपके बेटे बागी हो गए, आपकी बेटियां बागी हो गई, तो आप अपनी जमीन को तो समझिए हुजूर कि पांव के तले जमीन नहीं। जिस खानदान के लड़के लड़कियां अपने परिवार के बनाने वालों से अलग हो जाए, उनसे बहस करने लगे, उनसे टकराने के लिए बेचैन हो जाए, उनकी इजाजत के बगैर नए नए फैसले करें शादी से लेकर रोजगार तक, उस खानदान के अगुआ को बहुत जल्दी अपनी चाबी सौंप देनी चाहिए। और भारत में यही हो रहा है, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का इतना विभत्स संघर्ष पहले नहीं था। मैं पीढ़ी के हिसाब से कह रहा हूं जो सत्ताधारी है, चाहे कुलपति हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर। तो मुझे 2 बातें आज से आपसे आज कहनी है। एक तो भारतीय आजादी की रचना में जो हमारे बुजुर्गों की पीढ़ी ने समझौते किए, उन समझौतों की विवशताओं के बंदी आप नहीं हैं। आपको उन समझौतों से पैदा कीमत चुकाने की मजबूरी नहीं। आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान सभा की रचना में बाबा साहब तो थे, जवाहरलाल जी थे, राजेंद्र बाबू थे, लेकिन गांधी जी नहीं थे, समाजवादी नहीं थे, कम्युनिस्ट नहीं थे। मैं उनकी उस नीति का आज समर्थक नहीं हूं। मैं मानता हूं कि समाजवादियों को, मार्क्सवादियों को, गांधीयंस को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास की कुछ मर्यादाएं होती हैं और कुछ विवशताएं होती हैं। भारतीय समाज की उतनी ही सीमा थी कि वो वैसा ही एक डॉक्यूमेंट तैयार करे। आज अगर भारतीय संविधान सभा बैठाई जाए तो आपको लगता है कि इससे बेहतर संविधान बनेगा? नहीं बन पाए। हमारे सपने सिकुड़ गए हैं, हमारी इच्छाएं छोटी हो गई हैं और हमारा आत्मविश्वास हिल गया है। तो एक बात तो यही है कि हमारी आजादी और हमारी राष्ट्रीयता के बीच में कुछ जो मजबूरियां थी, जिनको आप अंतर विरोध कह सकते हैं, कंट्रडिक्शन कह सकते हैं, उन कंट्रडिक्शंस को संबोधित करने की जरूरत है। इसलिए अगर पड़ोसी बच्चे को लेके भाग गया, बच्ची को लेके भाग गया, तो ये मत कहिए कि बच्चा अब उनका है, बच्चे को वापस लाना है। राष्ट्रीयता की भारतीय विरासत को, या कहिए राष्ट्रीयता के भारतीय अवतार को आपको पुष्ट बनाना है। हमारी पिछली पीढ़ी ने भाषा नीति का आविष्कार किया और कहा कि हम एक ऐसी भाषा बनाएंगे जो भारतीय भाषाओं का समन्वय हो। हमारी पिछली पीढ़ी ने धर्मों के अंतर विरोधों का संबोधन करते हुए कहा कि हम सर्वधर्म संभाव का संस्कार विकसित करेंगे। गांधी जी की प्रार्थना सभा में उस दिन भी, जिस दिन उनको मारा, प्रार्थना सभा में सभी धर्मों का जो सारांश होता था उसका पाठ होता था, और बहुत सारे आश्रमों में आज भी होता है। इसी तरह से क्षेत्र के बारे में कहा गया कि हम एक फेडरल रिपब्लिक बनाएंगे,
भारतीय संविधान की पहली कलम कहती है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि क्षेत्रों की अपनी बड़ी कठोर सीमाएं हैं। ये बंगाली और उड़िया के विवाद से, असमिया और बंगाली के विवाद से आपको समझ में आया, उसको समेटने का काम किया। बहुत सृजनशील चिंतन हुआ, बहुत आशावादी भविष्य, खासतौर पर आशावादी मतलब अपने आने वाली पीढ़ियों पर भरोसा किया, आप पर भरोसा किया। अफसोस की बात है कि हमने धीरे धीरे उस भरोसे को तोड़ दिया। ये CIA के और KGB के षड्यंत्र से ये सरकार यहां नहीं आई, ये हमारे आपके फैसले से आई। इतना हमने अपने को समेटा, छोटा किया, बौना किया, संसदीय जनतंत्र की वासना में इतना डूब गए हर दल कि जो सबसे ज्यादा पतित हुआ उसको सत्ता मिल गई, जो सबसे ज्यादा ब्लैक मनी से चलता है, जो सबसे ज्यादा कम्युनिज्म करता है, जो सबसे ज्यादा नैरो सेक्टेरियन पॉलिटिक्स करता है, उसके हाथ में सत्ता चली। धर्म का पहला इस्तेमाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया था। ये भगवाधारियों को चुनाव में पहले टिकट BJP ने नहीं दिया, तब तो BJP थी ही नहीं। ये विभूति नारायण राय का इंटरव्यू पढ़िएगा, जो पहला चुनाव 1952 का हुआ था। 3-4 पार्टियां थी, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, भारतीय संसद संघ, कुल 10 सीट मिली थी और 400 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को या कांग्रेस के विरोध में उससे भी आगे जाने वाले वामपंथियों को मिली थी, कम्युनिस्टों और समाजवादियों। 1952 निरक्षरता थी, निर्धनता थी, अराजकता थी, 1952 में 400 सीटें उनको मिली थी और 2014 में 400 सीटें उनको मिली जो संकीर्णतावादी हैं और जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीयता का अपहरण किया। तो एक बात तो यही है कि राष्ट्रीयता के विमर्श को आपको आगे बढ़ाना है, उसमें जो भाषा की भूमिका है, जाति की भूमिका है, धर्म की भूमिका है, उसको नकारना नहीं है। एक होता है इंजीनियर और एक होता है डॉक्टर। हम लोग ज्यादातर इंजीनियर वाले दिमाग से सोचते हैं। इंजीनियर को कोई मकान दीजिए, कहिए साहब मकान कमजोर है, इसको ठीक करना है, तो इंजीनियर क्या करेगा? इसकी नींव उखाड़ेंगे, नया सीमेंट लाएंगे, नया ईटा लाएंगे, नई डिजाइन बनाएंगे और बहुत बढ़िया घर बनाएंगे, नहीं पहले नींव उखाड़ेंगे। डॉक्टर क्या कहता है? आजकल मेरे डॉक्टरों से कुछ संबंध बढ़ गए, तो डॉक्टर कहता है कि आपका जो शरीर है इसमें ये तो अच्छी बात है, ये खराब बात है। खराब वाले को काबू में लाइएगा, रसगुल्ला कम खाइएगा, बिना चीनी की चाय पीजिएगा, अब आप यूथ एक्टिविस्ट नहीं रह गए तो शरीर को भी आराम दीजिएगा और ये थोड़ी सी दवा दिया है इसको खाइएगा, 7 बजे के बाद खाना मत खाइएगा, शरीर आपका धीरे धीरे संतुलन में आएगा। हम में से ज्यादातर लोग जो अपने को रेडिकल समझते हैं, और होना भी चाहिए, रेडिकल के बिना तो दुनिया चल नहीं सकती है, लेकिन उनका अप्रोच इंजीनियर वाला होता है कि जाति नहीं रहेगी, धर्म को तो हम किनारे कर देंगे, ना हम 1 महीने का रोजा रखेंगे, ना आपको 9 रात्र का 9 दिन भूखे रखने देंगे, दोनों मिलकर खाएंगे, रमजान के समय में कबाब खाएंगे और नवरात्र के समय में आप करेंगे। रे भाई, बाकी 1 अरब 30 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं उसका भी तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सोशियोलॉजी को भी स्पेस दीजिए, खाली आइडियोलॉजी को स्पेस दीजिए। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो लोगों से संवाद का आंदोलन था, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मैं घूमता हूं देश भर में और लोगों से पूछता हूं, कहते हैं पहले कहते हैं कांग्रेस की जय, फिर महात्मा गांधी की जय, फिर जवाहरलाल की जय, और आखिर में जब मैं कहता हूं शांति जय तो बड़े जोर से नारा लगता है भारत माता की जय। तब मैं उनसे पूछता हूं कि ये तो आपने जो कहा ये भारत माता कौन है, किसकी जयकार आपने की, ये कोई माँ है जो जेल में बंद है, ये कोई देवी है? तो लोग चुप हो जाते हैं। अब मैं नेता हूं तो मेरे सवाल का जवाब देना आशिष्टता होगी, फिर मैं उनका 1.5 घंटा क्लास लेता कि भारत माता मतलब भारत को बनाने वाले लोग, भारत को चलाने वाले लोग, कौन है भारत को बना रहा, भारत के लोगों की रोटी में दाल की थाली में रोटी कौन ला रहा है, किसान ला रहा है, भारत में घर कौन बना रहा है, रेल कौन चला रहा है, बैंक कौन चला रहा है, परिवहन कौन चला रहा है, मजदूर, तो भारत माता मतलब भारत के किसानों मजदूर। ये चिंतन नहीं था 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई गई, धीरे धीरे वो विकास हुआ, आपको उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, उस स्पेस को जो उन्होंने कैप्चर कर लिया, उस झंडे को जो आपका झंडा था, जो आपके आंदोलन से निकला था, जो बहुत गहन चिंतन से निकला था, संविधान सभा की बहस से बना था, उसको भी अब वो कहते हैं कितना था 207 फीट
हमको समझ में आया मुखिया साहब आप भी रेड करते हैं हमारे झंडा तो तब भी आप लहराते थे 15 अगस्त को 26 जनवरी को, वो झंडा एक 20 फीट का बीच में आपने देखा होगा ना, एक पोल है लाइब्रेरी और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बीच में, हम लोग आते थे थोड़ी सी बात होती थी। अब वो 20 फुट वाला झंडा लहराते समय जो राष्ट्रीयता की भावना आई, जो आलोचना की भावना आई, जो विश्वास आया देश के बारे में, देश की आजादी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, अब उसको 207 फीट का कर देंगे तो क्या वो बढ़ जाएगा 10 गुना हो क्या? कनॉट प्लेस में बीचों बीच एक बड़ा सा झंडा लहरा दिया। जेएनयू के अंदर राष्ट्रीयता कम है, यहाँ पर एक टैंक भेज दी, अब वो पंजाब गए नहीं होंगे, पंजाब के तो हर शहर में भारत पाकिस्तान की लड़ाई के अवशेष के रूप में कैप्चर किए हुए टैंक, खासतौर पर प्रोफेसर वाली लड़ाई के, शहर शहर में कई जगह नेताजी की मूर्ति है, कई जगह भगत सिंह की मूर्ति है। मूर्तियों से राष्ट्रीयता बनेगी या रोजगार से बनेगी, समन्वय से बनेगी, सहयोग से बनेगी, सम्मान से बनेगी, न्याय से बनेगी, एकता से बनेगी, तो राष्ट्रीयता वाला विमर्श आपका है। इसको आप किसी चक्कर समाजवादियों के चक्कर में, मार्क्सवादियों के चक्कर में, गांधीवादियों के चक्कर में, नेहरूवादियों के चक्कर में छोड़िए, इन सब ने राष्ट्रीयता की अपनी अपनी परिभाषा की और उसको समझने की कोशिश की। राष्ट्र इमेजिन कम्युनिटी एंडरसन के लिए थी क्योंकि वो एक सिविलाइजेशन के वारिश थे, सारे लोग एक ही नस्ल के थे, उसमें से भाषा की विविधता थी, उस विविधता की दीवारों को बाजार ने तोड़ा, आज यूरोपियन यूनियन बन गया। तो यूरोपियन अवतार में राष्ट्रीयता का एक पक्ष है जिसमें से हिटलर और मुसोलिनी निकले, भारतीय पक्ष में राष्ट्रीयता की गर्व से भगत सिंह पैदा हुआ, चंद्रशेखर आजाद पैदा हुए, गांधी पैदा हुए, मौलाना आजाद पैदा हुए, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस पैदा हुए। दूसरी बात में भाषा को लेकर के, बस वो एक मिनट की बात है, इन शब्दों को सारा विमर्श यूरोपीय है। मैंने जब ये पिछली किताब रविकांत जी ने किया तो मेरा जो उसमें लेख इन्होंने लिया तो उसमें जो सबसे बड़ा दुख का कारण मेरा है इन मित्रों से वो ये कि यूरोपीय 19वीं शताब्दी के यूरोप से ये 21वीं शताब्दी के भारत को गढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो उसका प्रतिपक्ष है वो भी इन 19वीं शताब्दी की तरफ भारत को ढकेल रहे लोगों को 20वीं शताब्दी के यूरोपीय अवधारणाओं से संभालना चाहते हैं। आप फासिस्ट हैं और आप गुंडे हैं, दो बात मैंने आपसे कही। पहले मैंने कहा आप फासिस्ट हैं, तो आपने इधर उधर देखा, ऐसे झाड़ दिया, फासिस्ट चला गया। मैंने कहा आप गुंडे हैं, आपने बाहें चढ़ाई, कहा आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना हम अभी आके जो बच्चे डांटे सकते होते। भारतीय परिवेश में से आज का जो आतंक है, जो भय है, जो बर्बरता है, जो अराजकता है, उसका कोई शब्द निकालो ना भाई, हिंदी से लेकर के तमिल, तेलुगु, अब तो संस्कृत भी यहाँ पढ़ाई जा रही है, और अच्छी तरह से मुखिया साहब जब रेक्टर थे तब संस्कृत का स्टडीज का सेंटर बड़ा किया गया। उस विमर्श को निकालो जिसको पढ़ करके सुन करके, जैसे भारत माता की जय का जवाहरलाल ने भारतीयकरण किया, बंकिम और आनंद मठ से बाहर निकाल करके उसको ले आए, वैसा हमको भी ये फाशीवाद नहीं चल रहा, उससे वो उत्तेजना, वो आक्रोश, वो गुस्सा नहीं आता। फासिज्म आ गया, फासिज्म आ गया, जो ये कहने पर कि गुंडा राज आ गया, धन तंत्र आ गया, क्रोनी कैपिटलिज्म आ गया, सांप्रदायिकता आ गई, क्योंकि उससे वो बिन पैदा होते हैं जिन्होंने भारत का बंटवारा कराया, और भारत के बंटवारे की राजनीति करने वालों को, भारत की एकता की राजनीति करने वालों का मुकाबला है, और वो हमारी आजादी का सारांश है। अगर आजादी विखंडन है तो आजादी किसी काम की नहीं, पाकिस्तान की आजादी किस काम की? भारत की आजादी में समावेशी चरित्र था। नॉर्थ ईस्ट में जाइए, आज से 40 साल पहले नॉर्थ ईस्ट जाना ही मुश्किल है, और आज नॉर्थ ईस्ट में सलाम जेएनयू को कि ऐसा कोई शहर नहीं है नॉर्थ ईस्ट का जहां अगर कॉलेज है तो जेएनयू के लोग नहीं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, दूर दूर, और उनको वहां पढ़ाने का कोई मलाल नहीं है कि वो देश से बाहर चले गए। भोजपुरी लड़के लड़कियां अरुणाचल में, मणिपुर में, मेघालय में, नागालैंड में, तमिल लड़के लड़कियां, केरल के लोग, वो जो विस्तार है एकता का जो पिछले 70 साल की उपलब्धि है उसको भी ये खतरे में डाल। तो राष्ट्रीयता आजादी के साथ एक तीसरा शब्द है जो आपके विमर्श में ब्रिजेंद्र जी अगली बार होना चाहिए ब्रिजेश, वो
वो है एकता। एकता ऐसी पूंजी है जिसको जब जब हमने गंवाया है तब तक हमारा नुकसान हुआ है। बिखराव से हर कोई दुखी होता है, चाहे परिवार हो चाहे देश हो। तो हमारा विमर्श राष्ट्रीयता, आजादी और एकता के त्रिकोण में है और ये विमर्श आगे बढ़ रहा है। अभी तो चर्चा में हम हैं, अगले 3 महीने आपको थोड़ा और सक्रिय होना है, लोगों के बीच जाना है। इस चुनाव को मामूली मत समझिएगा, बस इतना ही करके मैं अपनी बात करूँगा। आखिरी बात ये है कि आपके गाइड आपके बिल पर साइन करें चाहे ना करें, कंटीजेंसी बिल पर, अगर आपकी जेब में पैसा है तो इस किताब को जरूर पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ने से आपकी उदासी दूर होती है, आपका भ्रम दूर होता है, आपका विश्वास मजबूत होता है। और मैं चाहूंगा जो सुझाव अभी आए रवि कि अगली एक तीसरी किताब भी आनी चाहिए, जिसमें आज के विमर्श और मुखिया साहब तो आपको एक नया एजेंडा देंगे, लगे गुड सुपरवाइजर, एक तीसरी किताब जल्दी से जल्दी आनी चाहिए जो 2019 के लिए लोगों के हाथ में हथियार का काम करे। बहुत धन्यवाद।